लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोस। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। क्या करते हैं शफी साहब? बस अभी बैठा हूँ घर पे। पहले आर्मी में था। फौज में थे? हाँ। कौन सी यूनिट में थे? जैकलाई में था। जैकलाई में थे। कब रिटायर हुए आप? 94 में। अभी साहब, जब हम लोग बुक्स में पढ़ते थे तो बताया जाता था कि अनंतनाग और इसके आसपास के इलाकों में, साउथ कश्मीर में, पहले मिलिटेंसी बहुत थी। अभी क्या हालात हैं? अभी तो ठीक है। कैसे ये बदल, कैसे गया? ये बदल गया, हुकूमत ने बदल दिया और क्या। पहले बीजेपी ने कर दिया इसका पूरा कल्याण। हाँ, क्या कल्याण कर दिया? मतलब ख़त्म कर दिया मिलिटेंसी और क्या। कैसे ख़त्म की? क्या ऐसा किया बीजेपी ने? बीजेपी ने जो छोड़ा नहीं कोई मरने के बगैर, तो ख़त्म हो गया था अभी। ठीक है ना, जो भी ये शक्ति पहले नहीं थी। कौन सी शक्ति? जैसे मिलिटेंसी पहले थी तो बीजेपी ने? अभी तो नहीं है। हाँ? अभी नहीं है। हाँ। तो पहले क्यों बढ़ गई थी इतनी? क्या हुआ था ऐसा? पहले तो बढ़ गई थी। पहले क्या वजह क्या थी? तब हुकूमत ही अलग, अभी हुकूमत गवर्नर की। हुकूमत क्या गड़बड़ कर रही थी तब? हाँ, तब क्या गड़बड़ कर रही थी हुकूमत? ये हुकूमत के होते साजिश होती क्या होती है? कोई भी जब कोई कांड होता तब हुकूमत का हाथ होता है इसमें। ये कोई अकेला नहीं कर सकता है। जब भी कोई कांड होगा तब हुकूमत का साथ होगा उसमें। अच्छा, यहाँ वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों रहता है? जैसे मैं देख रहा था पिछली बार 13% 17% ना, वोट इतना कम क्यों डाला जाता है अनंतनाग में? लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं? लोगों को तो अभी दिल हो गया ना ठंडा, अभी दिल मतलब दिल नहीं करता किसी को वोट डालने का। जैसे इस वक्त ले लो आप, इस वक्त की पोजीशन, हम खाली फीस भरते हैं, बिजली वाला फीस पावर हम देखते नहीं है, चाहे गवर्नर का राज हो चाहे किसी का भी राज हो। खाली 1400-1500 हो गए बिजली फीस एक मंथ। बिजली बिल आता है? बिजली नहीं आता है। अब यहाँ क्या कैरियबल का ले लो आप, जो हमारा इलाका है इसमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जो भी मिनिस्टर आता है, जो भी हुकूमत आती है, हम कैरियबल को पानी देंगे, मगर किसी ने नहीं दिया। ये सब गवर्नर से, बीजेपी से, चाहे नेशनल था चाहे कांग्रेस से, सब हुकूमत फेल है कैरियबल को पानी देने में। खाली वादे दे रहे मगर पानी किसने नहीं दिया? नहीं दे रहे। हाँ। बिल्कुल बहुत सफर करना। बिजली और पानी बहुत गलत है। आधा घंटा छोड़ते हैं, 10 मिनट छोड़ते हैं, मगर महीने के बाद 1500 फीस होना चाहिए हाथ में। ये प्रॉब्लम है इधर, और मेन प्रॉब्लम भी यहाँ की है जो हमको पानी नहीं है। नहर का पानी डालते हैं, जो पहलगाम से पानी आता है नहर का, वो सब गंदा पानी होता है, उससे बीमार बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, बुखार चढ़ता है। आप पीएचई डिपार्टमेंट का ले लो, वो फीस लेते हैं हमसे, मगर पानी कोई फिल्टर शिल्टर नहीं करते हैं, वो इसी नहर का पानी छोड़ते हैं हमको, बाकी कोई गंदा पानी। अगर आपको दिल करेगा पानी पीने का, आप नहीं कर सकते, आप नहीं पी सकते। फिर क्या, कैसे पीते हो आप लोग? बस गर्म करके बॉइल कर पीते हैं। मजबूर है, हम तो मजबूर है। फिल्टर रखे घरों में, बॉइल करके पीते हैं, फिल्टर में डाल के पीते हैं, फिर फिल्टर करते हैं उसको, फिर पीते हैं। पावर की प्रॉब्लम कितनी है? ये पानी की दिक्कत कब से चल रही है? ये पानी की जब से हम पैदा हुए, जब आपसे हम पैदा हुए, बस खाली हर एक गवर्नमेंट आती है, हम ये करेंगे वो करें, किसी ने नहीं कुछ नहीं किया। मुफ्ती ने यहाँ पर टैंकी बनाई, 2-3 टैंकियाँ बनाई, मगर तकरीबन 15-16 करोड़ में, मगर जब पाइपें डाली तो पाइपें लोगों ने ले ली मतलब? हाँ, उस पर काम ही नहीं हुआ। जब उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आए, उन्होंने सिटी लाए उसमें, क्योंकि उनका अपने अपने लड़ाई होती थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान। अब तो वही उम्मीदवार हमारे आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्योंकि वो यहाँ रियाज खान एक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसने पीडीपी को बोला कि हम वहाँ से चित्रकूट से पानी नहीं लेंगे। अब तो वही वोट हमारे वोट मांगने के लिए आते हैं मियाँ अल्ताफ के लिए, वही लोग आते हैं हमारे वोट मांगने के, जिनने हमारे पानी को सिटी लाया, क्योंकि उन्होंने हमारी वो पाइपें लोगों ने ले लिया। अब वो 20-25 करोड़ रुपए में ये टैंकियाँ खाली पड़ी हुई हैं, क्या करेंगे हम? क्या वोट दे देंगे हम? किसको दे देंगे वोट?